हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोनॉमी क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। आज हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन? लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, व्हाट इज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन? इन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है कि जिसमें ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लाइक जैसे लैंड, लेबर, मशीन, ठीक है, रॉ मटेरियल, तो इन सबको हम क्या है, चेंज कर सकते हैं। इन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। वेरिएबल मींस जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं, क्लियर है। एंड हम क्या है कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में जो भी प्रोडक्शन के लिए मशीनरी यूज की जाती है उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। बिकॉज प्रोड्यूसर के पास लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में जो टाइम पीरियड है वो काफी लॉन्ग होता है, लाइक जैसे कि 1 ईयर 2 ईयर्स, तो इजीली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस कर सकते हैं, क्लियर है। अब देखो कि जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ठीक है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल भी कहते हैं, ठीक है। मीन्स की फैक्टर्स ऑफ, जब भी हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या करते हैं कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उन सबको इक्वली लेके चलते हैं, ठीक है। मतलब कि हम सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस कर सकते हैं। तो इसीलिए जब हम सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इक्वली लेके चलते हैं तो इसका जो प्रोडक्शन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रोडक्शन मीन्स आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिटर्न टू स्केल, क्लियर है। देखो जब भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस करते हैं तो देखो कि जो प्रोडक्शन है उस पर 3 टाइप से इफेक्ट पड़ता है। प्रोडक्शन इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, एंड कॉन्स्टेंट भी हो सकती है, जिसमें चेंजेस नहीं होते हैं, क्लियर है। तो अब देखो कि जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है इसमें हम ऑल द फैक्टर्स को वेरिएबल मानते हैं, ठीक है, चेंजेस कर सकते हैं। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल भी इसको बोलते हैं, बिकॉज सभी फैक्टर्स को इक्वली रख के चलते हैं तो उससे आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। अब देखो रिटर्न टू स्केल में फर्स्टली हमें जो स्केल है उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केल, ठीक है। लास्ट टॉपिक में भी हमने देखा था स्केल इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, स्केल अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अगर हमने लाइक जैसे कि कुछ भी मीटर में मेजर करना है, ठीक है, या फिर लीटर में मेजर करना है, किलोग्राम में, फीट में, एक्सेट्रा, तो उनके लिए ये क्या है, एक यूनिट होती है मेजरमेंट की, स्केल। लाइक जैसे हमने लास्ट टॉपिक में देखा था कि कोई भी पर्सन है, ठीक है, कोई भी कंज्यूमर है मार्केट में से, अगर वो कुछ भी परचेज करता है, ठीक है, 1 मीटर क्लोथ परचेज कर रहा है, तो अगर 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में, तो हम क्या बोलेंगे कि उस पर्सन ने 100 सेंटीमीटर क्लोथ परचेज किया, मार्केट से खरीदा है, क्लियर है। अब देखो स्केल क्या है, एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। अब हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में एग्जांपल लेते हैं। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है कि जो रेशियो होती है, ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शंस की, जो मतलब जब भी हम प्रोडक्शन फंक्शन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, तो उससे जो आउटपुट है वो भी इंक्रीज होती है, और दोनों की जो रेशियो होती है वो क्या है, इक्वल होती है, ठीक है। लास्ट टॉपिक में हमने डिफरेंस में देखा था कि जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होती है उसमें रेशियो चेंज होती रहती है, ठीक है, बट लॉन्ग रन में चेंज नहीं होती है, ठीक है, स्थिर रहती है वो, बिकॉज शॉर्ट रन में हम ऑल द फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते, उसमें हम लेबर्स चेंज कर सकते हैं, एंड लॉन्ग रन में हम क्या है, सभी फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, सो इसीलिए इनकी जो रेशियो होगी वो भी क्या है, इक्वल होगी, कॉन्स्टेंट होगी। अब देखो फॉर एग्जाम्पल 5 लेबर, ठीक है, 5 लेबर है एंड 2 एकड़ लैंड है, तो जो एकड़ है वो क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड, लैंड को मेजर करने की यूनिट, ठीक है, एकड़।
अब देखो और हमारे पास क्या है, 10 क्विंटल ऑफ वीट, 10 क्विंटल ऑफ वीट। तो वीट यहाँ पे क्विंटल क्या है, क्विंटल इज द यूनिट ऑफ, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ आउटपुट। अब देखो यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल कि 5 लेबर्स है, 2 एकड़ लैंड थी, ठीक है, और वहां पे उन्होंने क्या है वीट के 10 क्विंटल प्रोडक्शन की है। तो जो क्विंटल है वो क्या है, क्विंटल इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ आउटपुट। आउटपुट मतलब कितनी प्रोडक्शन की गई है, वो क्या होती है हमारी आउटपुट। लाइक जैसे 10 क्विंटल, तो ये क्या है आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट को मेजर करने की यूनिट है क्विंटल, ठीक है, कि कितनी वीट की प्रोडक्शन की गई है। और जो 2 एकड़ लैंड है वो क्या है, एकड़ इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड, लैंड को मेजरमेंट करने की यूनिट, ठीक है, जिसको हम हेक्टेयर में एकड़ में मेजर करते हैं लैंड को। क्लियर है? अब देखो कि हमने एग्जांपल लिया है कि 5 लेबर्स 2 एकड़ लैंड पे 10 क्विंटल वीट की प्रोडक्शन करते हैं, 10 क्विंटल वीट। क्लियर है? तो जो 10 क्विंटल वीट है ये क्या है हमारी आउटपुट, एंड 5 लेबर एंड 2 एकड़ लैंड ये क्या है इनपुट। अब देखो जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या करता है, क्वांटिटेटिव रिलेशन, क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, मींस कि हम इनपुट का यूज करके क्या है आउटपुट को फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास इनपुट नहीं होगी तो हम आउटपुट फाइंड नहीं कर सकते। तो जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो इनपुट एंड आउटपुट के बीच क्वांटिटेटिव रिलेशन को शो करता है। क्वांटिटेटिव मींस जिनको हम क्वांटिटी के फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखो अगर हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है कि जो प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो भी रेशियो होती है आउटपुट की, ठीक है, वो क्या होती है इक्वल होती है, ठीक है। अब देखो वो कैसे फाइंड करेंगे, लाइक अगर हमने 5 लेबर्स, ठीक है, एंड वीट, इनकी रेशियो फाइंड करनी है। लेबर्स हमारे पास कितनी है 5 एंड वीट 10, तो रेशियो फाइंड करनी है, ठीक है। ये साइन हम लगाएंगे 5:10, ठीक है, 5 1s are 5 एंड 5 2s are 10, तो हमारे पास क्या रेशियो आएगी 1:2। क्लियर है? अब देखो अगर लॉन्ग रन में हम लेबर्स को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, लेबर डबल करते हैं, लाइक जैसे 5 से हमने 10 लेबर्स यूज किए हैं, 10, एंड जो वीट की प्रोडक्शन है वो भी क्या है डबल हो जाएगी, ठीक है। डबल लेबर्स यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, तो वीट की जो प्रोडक्शन है वो डबल हो जाएगी, 10 क्विंटल से 20 क्विंटल हो जाएगी। अगर हमने 10 एंड 20 की रेशियो फाइंड करनी है तो 10 1s are 10, 10 2s are 20, तो देखो जो इसकी रेशियो है वो भी क्या है इक्वल है। मींस कि जब भी हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डबल करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या है कि जो हमारी आउटपुट है वो भी डबल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हमने, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास क्या है लेबर, जब हमने लेबर को 5 से 10 किया, ठीक है, डबल कर दिया, तो जो हमारी वीट की प्रोडक्शन है वो भी डबल हो जाएगी, एंड इनकी जो रेशियो होगी वो भी क्या है इक्वल होगी, ठीक है। चाहे हम कितना मर्जी डबल कर लें, 5 से 10 तो इनकी रेशियो भी 1:2 है, ठीक है, 10 से और जो वीट की प्रोडक्शन है 20 तो उनकी रेशियो भी 1:2 है। और जब हम 15 करते हैं, लाइक जैसे लेबर और भी हमने डबल कर दिए, 5 से 15 लेबर कर दिए, एंड जो वीट की प्रोडक्शन है वो 20 क्विंटल से 30 क्विंटल हो जाएगी, तो अगर इनकी रेशियो फाइंड करनी है तो वो भी हमारे पास क्या आएगी 1:2। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डबल करने से एंड आउटपुट भी क्या है डबल हो जाएगी, एंड इनकी जो रेशियो होगी वो भी क्या है इक्वल होती है, सेम होती है। क्लियर है? अब देखो अगर हमारे पास 2 एकड़ लैंड है एंड वीट की प्रोडक्शन 2, ठीक है, 2 एकड़ लैंड हमने यूज किया, वीट की कितनी प्रोडक्शन हुई है 10 क्विंटल, ओके, अगर इसकी रेशियो हमने फाइंड करनी है 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो क्या आ जाएगी हमारे पास रेशियो 1:2।
5। ओके, जब भी हम लैंड का साइज डबल करते हैं, ठीक है, 4 कर दिया हमने, एंड वीट की प्रोडक्शन भी क्या है, डबल हो जाएगी 20। तो इनकी अगर रेशियो फाइंड करनी है तो वो क्या हो जाएगी, 4 1 4 4 5 20। तो मतलब की जो रेशियो है वो देखो इक्वली है। अगर हमने पहले लैंड देखो 2 एकड़ लैंड यूज कर रहे हैं एंड वीट की प्रोडक्शन हम 10 क्विंटल कर रहे हैं, तो इसकी रेशियो हम फाइंड करेंगे 1:5। ठीक है, जब भी देखो लैंड को डबल किया जाता है, डबल लैंड हम यूज कर रहे हैं, 2 से 4 एकड़ लैंड का यूज कर रहे हैं, तो जो वीट की प्रोडक्शन है वो भी क्या है, डबल हो जाएगी 20। आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, 20, और इसकी जो रेशियो फाइंड करेंगे वो भी क्या है, 1:5 होगी। क्लियर है? मतलब की कहने का मतलब ये है कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या है कि जब भी हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डबल करते हैं, आउटपुट भी डबल होगी, ठीक है, और इनकी जो रेशियो होगी वो भी क्या है, इक्वल होती है। क्लियर है? और अगर हमने लैंड एंड लेबर की रेशियो फाइंड करनी है, लेबर, लैंड एंड लेबर, तो इसके लिए क्या करेंगे, लैंड हमारे पास 2 एकड़ एंड लेबर हमारे पास 5, तो इनकी रेशियो 2 1 2, 2 के टेबल में अगर हम 5 को 2 2 4, 2 5 10, 2.5, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास रेशियो ऑफ लैंड एंड लेबर। अब देखो अगर लैंड का साइज इंक्रीज किया जाता है 4 एंड लेबर का जो लेबर है उसको भी डबल किया जाता है 5 से 10, तो इनकी भी रेशियो देखो क्या होगी, 2 के टेबल पे कट करेंगे पहले 2 5, ठीक है, और 2 5 को भी आगे हम सोल्व कर सकते हैं 1:2.5, तो मतलब कि हमारे पास क्या आ जाएगी रेशियो, 1:2.5, मतलब जो रेशियो है वो क्या है, इक्वली होती है लॉन्ग रन में, ठीक है, चेंज नहीं होती है। अगर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस करते हैं, डबल करते हैं, आउटपुट में चेंजेस करते हैं, बट जो हमारी रेशियो होगी वो क्या है, कॉन्स्टेंट रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। बट शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में इसके ऑपोजिट होता है, बिकॉज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हम क्या है, सभी फैक्टर्स में चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोड्यूसर के पास कम टाइम होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड मतलब कि 6 मंथ में, ठीक है, या 7 मंथ में जो प्रोड्यूसर होते हैं उन्हें प्रोडक्ट तैयार करना होता है, आउटपुट तैयार करनी होती है, तो इसीलिए वो क्या है, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनमें सभी में चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है, लाइक जैसे मशीन में चेंजेस नहीं कर सकते, लैंड में चेंजेस नहीं कर सकते, बिकॉज प्रोड्यूसर के पास टाइम पीरियड बहुत कम होता है, और अगर वो चेंजेस करेंगे तो इसका इफेक्ट प्रोडक्शन पे पड़ेगा, आउटपुट पे पड़ेगा। क्लियर है? तो इसीलिए शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या है, अगर हम लैंड को कॉन्स्टेंट रखते हैं और लेबर को 10 करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो 1:2 हो जाएगी, ठीक है, फिर हम लैंड को कॉन्स्टेंट रखते हैं और लेबर इंक्रीज करते हैं, तो जो 1:3 हो जाएगी। और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या है कि जो रेशियो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है, बट लॉन्ग रन में चेंज नहीं होती है। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज कॉल्ड फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन। अब देखो इसे हम टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, चेंज इन फैक्टर इनपुट, चेंज इन फैक्टर इनपुट अंडर रिटर्न टू स्केल मीन्स जब हम ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इक्वली रखते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, तो उससे प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसे हम कहते हैं रिटर्न टू स्केल। अब देखो प्रोडक्शन इंक्रीज भी हो सकती है, प्रोडक्शन डिक्रीज भी हो सकती है, एंड कॉन्स्टेंट भी हो सकती है। क्लियर है? अब देखो हम यहाँ पे टेबल शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लिए लैंड इन हेक्टर, ओके, चेंज इन लैंड क्वांटिटी, नेक्स्ट है, अब यहां पे हमने लिए लैंड इन हेक्टर में लेंगे लैंड, चेंज इन लैंड क्वांटिटी, एंड नेक्स्ट है लेबर्स आवर, कि लेबर ने कितने घंटे काम किया, लेबर आवर। क्लियर है? अब नेक्स्ट है चेंज इन लेबर, चेंज इन लेबर आवर्स, और यहां पे हमारे पास क्या हो गया नेक्स्ट में, रेशियो बिटवीन लेबर एंड लैंड, रेशियो बिटवीन लेबर एंड लैंड।
अब देखो लाइक जैसे कि जो लैंड है वो कितनी यूज की जा रही है, 5 हेक्टेयर लैंड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि लैंड की क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं है, फर्स्टली तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। और जो लेबर है वो कितने घंटे काम कर रहे हैं, 100, ठीक है। मतलब कि लेबर क्या है, 100 आवर्स काम कर रहे हैं, क्लियर है। और जो लैंड के हेक्टर कितनी हम लैंड यूज कर रहे हैं, 5 प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्शन ही दी कि उसने कितनी प्रोडक्शन की है, जस्ट हमने यहाँ पे रेशियो शो करनी है, इसीलिए ये टेबल हमने गिवन किया है कि जो प्रोडक्शन के लिए 5 हेक्टर लैंड यूज की जा रही है एंड जो लेबर है वो क्या है, 100 घंटे, ठीक है, 100 आवर्स काम कर रहा है, क्लियर है। तो देखो अगर 5 इसकी रेशियो फाइंड करनी है हमने, रेशियो बिटवीन लैंड एंड लेबर, लेबर एंड लैंड की रेशियो फाइंड करनी है, तो 5:100 करेंगे, 5 1 5 5 20 100, ठीक है। तो हमारे पास क्या रेशियो आ जाएगी, 1:20, क्लियर है। अब देखो अगर हम लैंड का साइज इंक्रीज करते हैं, ठीक है, 5 से 10 हेक्टर लैंड यूज करते हैं, मतलब कि 2 टाइम हमने लैंड में चेंजेस किए हैं, चेंज इन लैंड क्वांटिटी 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स लैंड की क्वांटिटी में चेंजेस हुए हैं, ठीक है, 5 से हमने 10 कर दिया, लाइक जैसे 5 2 10, अब हम 10 हेक्टर लैंड यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, तो इसमें हमें क्या है, अगर हम लैंड को डबल यूज कर रहे हैं तो हमें जो लेबर है उसको भी डबल करना पड़ेगा, मतलब कि जो लेबर है वो क्या है, पहले 100 आवर्स काम कर रहा था, अब वो क्या है, 200 आवर्स काम करेगा, ठीक है। तो मतलब कि चेंज इन लेबर आवर्स, लेबर से कितने घंटे में चेंज आया, 2 टाइम्स चेंज आया, 100 से 200 हो गए, तो मतलब 2 टाइम्स, 200 200। तो देखो अब हमने यहाँ पे भी लैंड एंड लेबर की जो रेशियो है वो फाइंड करनी है। लैंड हमारे पास है 10 हेक्टेयर एंड जो लेबर है वो हमारे पास है 2, लेबर कितने घंटे काम कर रहा है, 200 आवर्स, ठीक है। तो इसकी रेशियो फाइंड करेंगे, 10 1 10, 10 2 20 और ये 0 यहाँ पे लगा देंगे, तो क्या रेशियो आ जाएगी हमारे पास, 1:20, क्लियर है। अब देखो अगर हम लैंड का साइज और इंक्रीज करते हैं, ठीक है, 10 से 15 हेक्टर लैंड यूज कर रहे हैं, मतलब कि लैंड में 3 टाइम्स चेंजेस आए हैं, क्लियर है, 5 3 15, 3 टाइम्स चेंजेस आए हैं, तो इसीलिए जो लेबर के आवर है उसको भी हमने डबल कर दिया, 300 आवर्स वो काम करेगा, ठीक है। तो मतलब कि लेबर के आवर्स में कितना चेंजेस आए हैं, 3 टाइम। तो अगर हमने लैंड जो हमने चेंज की है, लेबर चेंज की है, इनकी अगर हमने रेशियो फाइंड करनी है, 15:300, 15 1 15, 15 2 30 एंड ये 0, तो हमारे पास क्या रेशो आ जाएगी, 1:20, क्लियर है। अब देखो अगर हम लैंड का साइज और इंक्रीज करते हैं, 20 हेक्टेयर लैंड यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, तो यहाँ पे देखो कि लैंड की क्वांटिटी में कितना चेंज आया, 4 टाइम, 4 5 20, क्लियर है। एंड हम क्या है, लेबर्स के जो आवर्स है उनको भी इंक्रीज कर रहे हैं, 3 से हम क्या कर देंगे, 400 आवर्स वो काम करेगा, बिकॉज हमने जो लैंड का साइज है वो इंक्रीज कर दिया है। तो जो चेंज इन लेबर आवर्स, 4 टाइम, बिकॉज जब हम 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 400। और अब देखो कि अगर हमने जो हमने लैंड में चेंजेस किए हैं, लेबर्स के आवर में चेंजेस किए हैं, कितने घंटे वो काम कर रहे हैं उसमें चेंजेस करते हैं, और अगर इनकी रेशियो हमने फाइंड करनी है, तो लैंड का 20 हेक्टेयर लैंड एंड लेबर्स 400 आवर्स काम कर रहे हैं, 20 1 20, 22 40 एंड ये 0 यहाँ पे ऐड कर देंगे, 1:20, क्लियर है। मतलब सभी केसेस में ऐसे ही होगा। आप देखो लास्ट हम अगर 25 कर देते हैं, लैंड कितने हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, 25 हेक्टेयर, मीन्स की लैंड में 5 टाइम चेंजेस हो रहे हैं, तो इसलिए हमने जो लेबर्स के आवर्स हैं उनको भी इंक्रीज कर दिया है, 500 आवर्स वो काम करेगा, ठीक है। और इससे चेंज इन लेबर आवर्स 5 टाइम। और अब हमने देखो अगर इनकी रेशियो फाइंड करनी है, 25:500, 25 1 5 25 25 2 50 एंड ये 0 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1:20। तो मतलब कि ये देखो जो रेशियो बिटवीन लेबर एंड लैंड है वो क्या है,
कॉन्स्टेंट रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते इन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब यहाँ पे देखो कि हम लैंड पहले 5 फैक्टर यूज कर रहे थे, ठीक है, लेबर 100 आवर्स काम कर रहा था, तब भी रेशो 1:20 थी, ठीक है। फिर उसके बाद लैंड का साइज इंक्रीज किया, 5 से 10 डबल कर दिया, लेबर के आवर्स भी डबल कर दिए, फिर भी जो रेशियो है वो कितनी है, 1:20। फिर उसके बाद हमने जब लैंड का साइज इंक्रीज किया 15, ठीक है, लेबर्स के आवर्स भी हमने इंक्रीज कर दिए 3 times, तो अब भी हमारी जो रेशियो है बिटवीन लैंड एंड लेबर वो क्या है, 1:20। क्लियर है? मतलब कि जब भी हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डबल करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या है कि जो उनकी रेशियो होगी, ठीक है, वो क्या है, इक्वल रहती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डबल करते हैं तो आउटपुट भी डबल होती है, तो इससे जो फैक्टर उनकी जो रेशियो होगी, ठीक है, आउटपुट की, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, वो इक्वल होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। ओके, ये सिर्फ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में पॉसिबल है, बट शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में रेशियो क्या है, चेंज होती रहती है। अगर देखो इसको डायग्रामेटिकल वे में, अब हमने टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट किया कि रेशियो जो है वो सेम रहती है, ठीक है, अगर डायग्रामेटिकल वे में प्रेजेंट करना है, यहाँ पे हम कैपिटल वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे हम कैपिटल प्रेजेंट करेंगे एंड एक्स एक्सिस पे लेबर, ओके, एंड इसमें हम क्या है कि जो भी प्रोडक्शन है उसको एल कर्व से शो करते हैं, लाइक जैसे कि 100 क्वांटिटीज की प्रोडक्शन हुई है, 200 क्वांटिटीज की प्रोडक्शन हुई है, 300, 400, 500 समथिंग कितनी भी प्रोडक्शन हुई है, तो उसे हम एल कर्व से शो करते हैं। ये एल कर्व क्या शो करती है कि जो भी हमारे पास लेबर है या कैपिटल है, हम इन एक इन दोनों को क्या है, सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। सब्स्टिट्यूट का मीनिंग क्या होता है कि जब हम वन थिंग को चेंज करके उसको रिप्लेस करके दूसरी थिंग यूज करते हैं, लाइक जैसे टी एंड कॉफी में हमने किया था, अगर टी के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो टी एंड कॉफी हमें सेम सेटिस्फेक्शन देती है, सो इसलिए जो कंज्यूमर्स होंगे वो क्या करेंगे, कॉफी की जो डिमांड है वो इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूट चेंज करना। तो जो ये एल कर्व है वो क्या शो करती है कि जो लेबर है एंड कैपिटल है, मतलब कि लेबर को रिप्लेस करके हम कैपिटल एंड कैपिटल को रिप्लेस करके लेबर यूज नहीं कर सकते, इन दोनों का सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे चेंजेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इससे क्या है, प्रोडक्शन पे इफेक्ट करेगा। अब देखो इसमें जो मेन है वो क्या है, ये जो लाइन है इनमें ड्रॉ की गई है, ओ आर लाइन, तो ये लाइन क्या शो करती है, तो देखो जो ये ओ आर लाइन ड्रॉ की गई है, ये क्या शो करती है कि ये लाइन, जैसे हमने ए पॉइंट लिया है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको टच करेगी ये लाइन, ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट, तो देखो ओ ए पॉइंट पे जो रेशियो होगी, ठीक है, वो ए बी पॉइंट की रेशियो के इक्वल होगी एंड बी सी की रेशियो के इक्वल होगी, मतलब कि यहाँ पे मेन हमने इसको डायग्राम, अब देखो कि टेबल की फॉर्म में जब हमने प्रेजेंट किया तो उसमें भी हमने बताया था कि जो रेशियो होती है वो इक्वल होती है, लाइक जैसे 1:20, 1:20, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम अगर इसको डायग्रामेटिकल वे में प्रेजेंट करते हैं तो इसमें क्या है कि ओ ए पॉइंट के बीच की रेशियो, ठीक है, लाइक जैसे 1:20 है, ठीक है, ए बी पॉइंट के बीच की रेशियो वो भी क्या है, 1:20 होगी, बी सी के बीच बिटवीन की रेशियो वो भी 1:20 होगी, अगर हम सी डी की रेशियो लेते हैं तो वो भी क्या है, 1:20 होगी। मतलब कि ये जो ओ आर लाइन ड्रॉ की गई है, ये हमें क्या शो कर रही है कि इन पॉइंट्स पे ओ ए, ए बी एंड बी सी, इनकी जो रेशियो है वो क्या है, इक्वल होती है, रेशियो में कोई चेंजेस नहीं होते। अगर यहाँ पे 1:20 है तो यहाँ पे भी 1:20 होगी, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी फर्दर भी। अगर यहाँ पे 1:5 है तो नेक्स्ट पॉइंट पे भी 1:5 होगी एंड उससे नेक्स्ट पॉइंट पे भी 1:5 होगी।
क्लियर है। तो ये जो एल कर्व है वो क्या शो कर रही है कि लेबर को रिप्लेस करके हम कैपिटल एंड कैपिटल को रिप्लेस करके लेबर यूज नहीं कर सकते, इससे प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये था हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसमें हमने मेनली किस पे फोकस किया है कि जो रेशियो है वो क्या है, कहीं हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, आउटपुट इंक्रीज होती है, बट जो रेशियो उस पर कोई फैक्टर नहीं पड़ता, वो कॉन्स्टेंट रहती है। क्लियर है। तो देखो कि रिटर्न टू स्केल थ्री टाइप्स होती है हमारे पास रिटर्न टू स्केल की। रिटर्न टू स्केल मीन्स जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या है, आउटपुट इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, एंड कॉन्स्टेंट भी हो सकती है। सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिटर्न टू स्केल, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिटर्न टू स्केल। फर्स्ट इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, सेकेंड डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड थर्ड कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। क्लियर है। मतलब रिटर्न टू स्केल में जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस करेंगे तो उससे क्या है कि जो आउटपुट है वो इंक्रीज भी हो सकती है, ठीक है, डिक्रीज भी हो सकती है, एंड कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं। मतलब थ्री टाइप से इफेक्ट पड़ेगा आउटपुट पे। तो इन थ्री टाइप्स के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब देखो फर्स्ट हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में क्या होता है कि जिस रेशियो में हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, और जो आउटपुट है उससे ज्यादा इंक्रीज होती है, डबल होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। मतलब कि हमें रिटर्न में कितना मिला है, ठीक है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में क्या होता है कि जिस रेशियो में हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं लैंड लेबर को, तो जो आउटपुट है वो क्या है, उससे डबल इंक्रीज होती है। अब देखो अगर ये आपको क्या है, एग्जांपल से हम क्लियर करेंगे। यहाँ पे हमने लैंड लेबर एंड वीट क्विंटल्स में ले रहे हैं, वीट को हम क्विंटल, देखो कि हम क्या है, वन एकड़ लैंड यूज कर रहे थे, वन लेबर यूज कर रहे थे, और वीट की कितनी प्रोडक्शन हो रही थी, टू। क्लियर है, टू क्विंटल वीट की प्रोडक्शन हो रही थी, ठीक है। अब देखो अगर लैंड का साइज इंक्रीज करते हैं, टू एकड़ लैंड यूज करते हैं, लेबर का साइज इंक्रीज करते हैं, लेबर हम वन से टू लेबर यूज कर रहे हैं, तो जो वीट की प्रोडक्शन है वो भी डबल होनी चाहिए टू से फोर, बट वो कितनी हुई है, टू से सिक्स, मतलब डबल से ज्यादा डबल हो गई है। क्लियर है। तो ये क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, जिसमें जब भी हम एक फैक्टर को डबल करते हैं, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डबल करते हैं, तो वीट क्या है, टू से फोर डबल नहीं, वो क्या है, फोर से और भी ज्यादा डबल हो गई है। क्लियर है। तो मतलब कि यहाँ पे क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करने से जो आउटपुट है वो क्या है, इंक्रीज होती हुई है, सो इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। मतलब कि जो रिटर्न में क्या है, जो भी मिला है वो क्या है, इंक्रीमेंट वे में मिला है। अब हम करेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में क्या होता है कि जिस रेशियो में हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, बट उस रेशियो में जो आउटपुट है वो इंक्रीज नहीं होती, वो डिक्रीज होती है। लाइक जैसे लैंड लेबर वीट, वन एकड़ लैंड वन लेबर यूज कर रही है एंड वीट की प्रोडक्शन हो रही है टू, बट अगर हम लैंड को डबल करते हैं, टू एकड़ लैंड यूज करते हैं, ठीक है, लेबर भी हम टू यूज कर रहे हैं, बट जो वीट की प्रोडक्शन है वो डबल होनी चाहिए, फोर होनी चाहिए, ठीक है, तो वो क्या है, फोर नहीं हुई, वो क्या है, डिक्रीज हो गई थ्री। क्लियर है। दिस इज डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कि जिसमें हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डबल किया, बट जो हमें आउटपुट प्रोवाइड हुई है वो क्या है, डबल प्रोवाइड नहीं होती, वो डबल से थोड़ा कम प्रोवाइड हुई है, ठीक है, सो इट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। मतलब रिटर्न में हमें क्या है, कम मिला है। अब देखो जो लास्ट टाइप है रिटर्न टू स्केल की, वो है
कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल में क्या होता है कि जिस रेशियो में हम क्या है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करते हैं उसी रेशियो में हमें आउटपुट आउटपुट में भी उसी रेशियो में चेंज आते हैं। लाइक जैसे कि वन एकड़ लैंड यूज कर रही है, वन लेबर यूज कर रही है एंड वीट की जो प्रोडक्शन है वो है 2 क्विंटल। ठीक है, अगर हम लैंड का साइज इंक्रीज करते हैं, डबल करते हैं, 1 से 2 एकड़ लैंड यूज करते हैं एंड लेबर का साइज इंक्रीज करते हैं 1 से 2, ठीक है, तो जो वीट है उसकी प्रोडक्शन क्या होती है डबल हो जाती है 2 से 4। ये होती है कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, जिसमें जो हमारा वीट की प्रोडक्शन है वो ना तो ज्यादा इंक्रीज हुई है ना ही डिक्रीज हुई है, वो क्या है कॉन्स्टेंट है। मीन्स कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड एंड लेबर को डबल करने से जो वीट की प्रोडक्शन है आउटपुट है वो भी क्या है डबल हुई है। तो ये थे हमारे पास कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। अब हमने क्या है लास्ट में 3 जो मेन टाइप्स है रिटर्न टू स्केल की, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल के बारे में डिस्कस किया। तो ये हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन टॉपिक था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है कि जब भी हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करते हैं डबल करते हैं तो आउटपुट भी डबल होगी। ठीक है, और उसके साथ क्या होगा कि जो भी रेशियो होगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड आउटपुट वो क्या है सेम रहती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।